सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है, तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये दो चार आम चुरा लूँगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है, यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है, फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से दो आम छुपाकर अपने थैली में डाल लेती है। सुंदरी मैंने दो आमों को चुरा लिया है, अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है, आप जब चाहें आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुरा कर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है, दुकानदार को इसकी फर्क भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियाँ भी ले लेती हूँ। सुंदरी सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ वही तो, मैं भी सोच रही हूँ सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 के थे और आज 40 के दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नज़र टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी, लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी। अरे भैया तुम ये कैसी बातें करते हो, तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ और ये तो छोटी सी बच्ची है, अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया, ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो। तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं, बताइए क्या मैं चोर हूँ, अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को स्कूल से आने में देर हो जाती है। पता नहीं ये टुनटुनी अभी तक कहाँ है, अगल बगल की सभी चिड़िया आ गई और ये इसका आने का नाम नहीं ले। आज आने दो टुनटुनी को, तब मैं बताऊंगी। दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है लेकिन बचपना अभी तक नहीं जा रहा है। और तभी टुनटुनी स्कूल से वापस आ जाती है। क्या कर रही हो माँ? आ गई, कहाँ थी अब तक? स्कूल ही तो गई थी माँ, आने में लेट हो गई। सारी चिड़िया 2 घंटे पहले आ गई, लेकिन तू 2 घंटे से क्या कर रही थी? क्यों गुस्सा कर रही हो माँ? लाओ मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ। नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ पहले चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ। टुनटुनी जाकर खाना पकाने लगती है, अचानक उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये क्या कर रही है टुनटुनी, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? पता नहीं माँ, मेरे सर में और पैर में बहुत जोरों का दर्द है और माँ मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी? हाय राम, तूने तो मेरी इज्जत ले ली, कहीं तूने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शक हो रहा था, तू रोज लेट आ रही है, कहीं कोई ऊंच नीच काम तो नहीं कर रही है? ले
माँ बाप की इज्जत तूने। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तेरे पाँव भारी हैं, और तू कह रही है कोई बात नहीं है। बताओ, मैंने तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या ये सब रंग रलिया मनाने को भेजा था? माँ मुझे मत मारो, कोई बात नहीं है माँ, मुझे मत मारो। तूने अपने माँ बाप की इज्जत को पानी में डुबा दिया। तेरे पापा से मैंने बार बार कहा था, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे स्कूल मत भेजो। लेकिन तेरे पापा मेरी एक बात नहीं मानते। अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। चल अब तू बता, तू किसके साथ काला मुंह करके आई है और तेरे बच्चे का बाप कौन है? माँ छोड़ दो, मुझे मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा, तूने किसके साथ काला मुंह किया है? जल्दी बता दे टुनटुनी इसका नाम, वरना तेरी आज खैर नहीं। मत मारो माँ, लग गई माँ, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। तूने इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और लगातार उसे बेलन से पीटे जा रही थी? टुनटुनी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे सब पक्षी, घर में माँ के होते हुए भी बेटी ने मुंह काला करवा लिया, तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? माँ तुम बेकार में मुझ पर शक कर रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी टुन्नू चिड़ा दाना चुककर घर वापस आता है। जब वो टूनी को देखता है कि वो टुनटुनी को मार रही है तो वो उसे रोकता है। अरे टूनी, तू ये क्या कर रही है, तू टुनटुनी को क्यों पीट रही है? क्या बताओ जी, इस चिड़िया ने तो हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, पता नहीं किससे मुंह काला करवा कर आई है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम मुझे बताओ। पापा, मैं जब से कॉलेज से आई हूँ मुझे जब से उल्टियाँ हो रही हैं और पेट में भी बहुत दर्द है। फिर तो तेरी माँ सही कह रही है, बता तू किससे मुंह काला करवा के आई है? अरे करमजली, मैंने तो तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तूने तो मेरे मुंह पर ही कालिख पोत दी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? टुन्नू, मैं कहती हूँ तुम अभी से लेकर जाओ और इसका चेकअप करवाओ। चल टुनटुनी, चल मेरे साथ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद वो टुन्नू को बताती है, अरे भाई साहब, आपकी लड़की कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसे तो धूप लगी है और गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं, और गर्मी लगने की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। ये थोड़ा देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर टुन्नू अपने किए पे पछताने लगता है। वो टुनटुनी को लेकर घर आने लगता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया गुस्से से बड़बड़ा रही थी। लेकर गए हैं इसे डॉक्टर के पास, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मेरी बातें जरूर सच निकलेंगी। अगर सच नहीं निकली तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। क्या हुआ जी, मैंने जो कहा था वो बात सच है ना? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है, डॉक्टर ने तो कहा है उसे धूप लगी है, तुमने मेरी बेटी को मारा बिना सच्चाई जाने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे नहीं, टुनटुनी से माफ़ी मांगो। टुनटुनी बेटा मुझे माफ कर दे। माँ मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। टूनी टुनटुनी को गले लगा लेती है। दोस्तों, कल की लकी विनर्स के नाम ये रही आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टूनी टुनटुनी को किस इससे मारती है? कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं, आपको तो पता है ना जंगल में
कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चुड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना, काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं, तभी अचानक से टुनटुनी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, अरे ओ टुनटुनी आजा मेरे बच्चे, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी, आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है, वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ, माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया, बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कह दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह मजा आ गया, चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी, मैं तुझे मार दूंगी, तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू माँ बचाओ मुझे इस उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल छोड़ मेरी बीवी को वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी, अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दर्द तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है, मोंटू माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है, तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है, तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसी झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।